और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों ही बताएंगे। पोल डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? अगर हम कोई रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लें, दैट इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। हम मान लो लिख रहे हैं d बाय dx ऑफ y, क्या मतलब है इसका कि जो y है इसका डिपेंडेंस जो है वो x पे है ना। हमने कहा रिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एन डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम जैसे लिखते हैं d y by dx is equal to m, ये हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है ना। अगर हम इसी में लिखते हैं d2y by dx2 plus a square y is equal to sec square x, तो ये हमारी कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई? ये भी हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है ना। इसी तरीके से यहां पर हमारे पास डिपेंड, अगर हम यहां पर ये तो हो गया dy by dx, अब मान लो लिखे हैं डेवर यू अपॉन डेवर एक्स इज इक्वल टू के, डेवर यू अपॉन डेवर एक्स इज इक्वल टू के लिखा, तुम लोग जानते होंगे पार्शियल में डेवर यू अपॉन डेवर एक्स को हम लोग पी लिखते हैं, डेवर यू अपॉन डेवर वाई को क्यू लिखते हैं, हमारे में लीनियर ही है तो हम लोग यही तक जाएंगे। चीजें तुमको हम बता देते हैं कि क्लासिफिकेशन बताएंगे तो बता देंगे इतना। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हो गई? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। या हम इसे लिखें डेवर टू यू अपॉन डेवर एक्स टू प्लस डेवर टू यू अपॉन डेवर वाई टू प्लस डेवर टू यू अपॉन डेवर जेड टू। ये कौन सी इक्वेशन है? कौन सी इक्वेशन है? लाप्लास इक्वेशन है, एक्स वाई जेड में है। ये हमारी जो है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब जब हम इसमें जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला स्टेप आता है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ आर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है? जैसे हमने ये लिखा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम, ऑर्डर कैसे जानते हो? जो हमारा डिफरेंशियल कोफिशियंट होता है, जिस ऑर्डर तक डिफरेंशियल कोफिशियंट ले रहे हैं वही उसका क्या हो जाता है? ऑर्डर हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स टेबल किया तो डी वाई बाई डी एक्स एक ही बार डिफरेंशिएट किया तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? वन। अच्छा डिग्री क्या होती है? जो हाइयर डेरिवेटिव है उस पे जो पावर लगी होती है, दैट इज अ डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे अगर हम ये इक्वेशन देखें, जो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसका ऑर्डर क्या है? टू। लेकिन डिग्री क्या है? डिग्री क्या है? वन। अच्छा अगर हम एक इक्वेशन लिखें वन प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स टू का होल स्क्वायर इज इक्वल डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री क्या होगा? ऑर्डर टू है और डिग्री थ्री है, सोच के ना। ऑर्डर थ्री डिग्री वन। देखो क्यों? क्योंकि हमको जो पावर चाहिए होती है ये हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट की चाहिए होती है। अब यहाँ पर अगर ये ना होता तो हम डिग्री, अगर ये मान लो डी वाई बाई डी एक्स लिख रहे होते तो यहाँ पर इसकी डिग्री टू। क्लियर है? तो ऑर्डर और डिग्री में कंफ्यूजन नहीं करो। ऑर्डर जो है हमारा जनरल डी वाई, जो जितने टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं दैट इज ऑर्डर, ठीक है। डिग्री क्या है? जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसका जो पावर आ रहा है दैट इज अ डिग्री, ठीक है। हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आज देख रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर में सबसे पहला तुम लोग जो फर्स्ट ऑर्डर हम बताएंगे इसमें, इसमें पहला तो तुम लोग जो जानते हो वेरिएबल सेपरेबल आता है, उसके बाद होमोजीनियस आता है, फिर उसी में बर्नौली आ जाता है और उसके बाद इसमें एग्जैक्ट आ जाता है। यही हम लोग फर्स्ट ऑर्डर पढ़ते हैं है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर जो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं वो फॉर्म होता है एफ ऑफ एक्स वाई वाई प्राइम इज इक्वल टू जीरो। वाई प्राइम हमारा क्या है? डी वाई बाई डी एक्स। जो वाई प्राइम है दैट इज डी प्राइम एफ डी एक्स, और बहुत बार हम लोग लिखते हैं वाई प्राइम इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, प्राइम इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। y प्राइम जो है हमारा ये dy by dx को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट आते हैं
सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन. सेपरेबल क्या होता है? जी वाई वाई प्राइम इज इक्वल टू मान लो हम एफ एक्स, ठीक है, सेपरेबल. फर्स्ट जी वाई वाई प्राइम हमने एफ एक्स लिखा, यहाँ वाई प्राइम जो है वो डी वाई बाई डी एक्स हो गया. तो देखो जी इज अ फंक्शन ऑफ वाई, एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो जी वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी जी वाई डी वाई इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स. जी वाई डी वाई इज इक्वल टू एफ एक्स डी. अब आपके पास y के टर्म अलग है, x के टर्म अलग है, आप इसको वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर सकते हैं, है ना. y प्राइम इज इक्वल टू एक्स वाई बाई टू, छोटा सा हम लिख रहे हैं, y प्राइम इज इक्वल टू एक्स वाई बाई टू. तो जी वाई बाई डी एक्स जो हमारे पास हो जाएगा ये क्या आ जाएगा, एक्स वाई बाई टू, है ना. इसको वेरिएबल सेपरेबल से करें तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स अपॉन टू, है ना, लिख लीजिए. तो हम लोग अगर इसको लिखें तो अगर हम यहां देखें डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू वन बाई टू एक्स डी एक्स, अगर सिंप्लीफाई करें तो लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई फोर. जब डिफरेंशियल इक्वेशन करें अगर लॉग आ जाता है, लॉग या एलन लिख रहे हैं, तो जब भी लॉग आए तो कोशिश करते हैं कि कांस्टेंट हम लॉग में ही लें ताकि हम उसका रिजल्ट जो है मॉडिफाइड फॉर्म में लिख सकें. तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ वाई अपॉन सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई फोर और वाई इज इक्वल टू सी ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई फोर. क्लियर है, ये हमारा है वेरिएबल सेपरेबल. अब इसी में जब वेरिएबल सेपरेबल हम पढ़ जाते हैं, वेरिएबल सेपरेबल के भी दो पार्ट करते हैं, एक होमोजीनियस में आता है, एक केस ऑफ फेल्योर बन जाता है. पता है, कोई बताएगा इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, कुछ याद है कि नहीं है, ये बताओ. नहीं है ना, देखिए इसमें जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं. अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन जी ऑफ एक्स वाई, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन जी ऑफ एक्स वाई दिया, इसको हम होमोजीनियस कहेंगे अगर इसमें हमें होमोजीनियस का क्या मतलब है, डिग्री सेम मिल जाए. होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, अगर उस फंक्शन में हमारी डिग्री सेम है दैट इज अ होमोजीनियस फंक्शन, इसको हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे. जरा लिखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, 3xy plus y square upon 3x square plus xy. अब देखो 3xy, x की पावर 1, y की पावर 1, दो हो गया, y square पावर 2 हो गई, upon में आए 3x square पावर 2, xy अगेन पावर 2, यानी ये कैसा सिस्टम हो गया, होमोजेनियस हो गया. अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो हम अब हम इसको भी, हमने तुमसे क्या कहा, अभी तुमको बताया वेरिएबल सेपरेबल, तो हम इस टाइप के सवाल में क्या करते हैं, y इज इक्वल टू वी एक्स, y इज इक्वल टू, याद आया, y इज इक्वल टू वी एक्स रखेंगे तो जो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा, या वाई प्राइम जो होता है ये हो जाएगा वी प्लस एक्स डी बाई डी एक्स. अब जो होगा क्वेश्चन फिर हमारा वही बन जाएगा, जो क्वेश्चन होगा वो v और x में वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा और लास्ट में हम लोग जो y इज इक्वल टू वी एक्स रखा था वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. क्लियर है. इसी में अगर हम लोग यहां पर देखते हैं, अब इसी में आता है अब कभी कभी ऐसा दिया होता है कि इक्वेशन को हम रिड्यूस करें होमोजीनियस, ये तो हमने तुमको बता दिया कि ये होमोजीनियस फॉर्म होता है, यहाँ पावर नहीं लगी है तो होमोजीनियस है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि होमोजीनियस नहीं होता है. तो कैसे करते हैं, जैसे जब एग्जैक्ट पाते हैं इक्वेशन एक एग्जैक्ट होती है, हमें सॉल्यूशन लिखना आता है, लेकिन अगर एग्जैक्ट नहीं है तो उसको एग्जैक्ट बनाने की हम कोशिश भी करते हैं,
है ना। इसी तरीके से जैसे हमने तुमको बताया कि dy by dx is equal to f, f upon g, where f is a function of x and y, g is also a function of x and y. It is a homogeneous form. लेकिन अगर equation homogeneous form में नहीं दी गई है, equation कुछ हमें ऐसी दे दी जाए, dy by dx is equal to ax plus by plus c, कुछ ax plus by plus c के form में दे दी जाए, upon कैपिटल एक्स हमने लिख दिया प्लस कैपिटल बी वाई प्लस कैपिटल सी, ठीक है, कुछ इस फॉर्म में दिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। हम इसको भी होमोजीनियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करते हैं ऐसे केस में, हम लोग कैपिटल एक्स रख लेते हैं, किसके बराबर रखते हैं बेटा, स्मॉल एक्स प्लस एच, और कैपिटल वाई को क्या कर देते हैं, स्मॉल वाई प्लस के। कैपिटल एक्स को एक्स प्लस एच, कैपिटल वाई को के वाई प्लस के। यहाँ जो एच और के हैं वो क्या है, कॉन्स्टेंट्स, एच एंड के आर कॉन्स्टेंट। तो जब हम डी वाई बाय डी एक्स करेंगे, यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर हम डी वाई बाय डी एक्स देख रहे हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए कैपिटल एक्स प्लस, अब देखो यहाँ पर अगर हम निकाले dx अपॉन x निकाले तो x क्या आ जाएगा, 1, और dy अपॉन y क्या आ जाएगा, बताओ बताओ, x x plus h है, y y plus k है। हम dx अपॉन dy अपॉन dx निकाले कैसे निकालेंगे बताओ, नहीं समझ में, ये हमें चाहिए, ये जो dy अपॉन dx है ये किसके इक्वल हो जाएगा, हाँ, d कैपिटल y अपॉन d, ये कहना चाह रहे थे, x इज इक्वल टू x प्लस h है, तो d कैपिटल y किसके बराबर हो जाएगा, d कैपिटल d कैपिटल d स्मॉल y इज d कैपिटल y एंड d स्मॉल x इज d कैपिटल x, क्लियर। हमने dy बाय dx को क्या लिख लिया, d कैपिटल y अपॉन d कैपिटल x, क्लियर। अब हमने स्मॉल x को क्या लिखा, x प्लस h, यहाँ पर x प्लस h लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, y प्लस h लिखेंगे, और हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो a, हाँ कैसे लिखोगे बताओ, स्मॉल x को हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल x उल्टा लिखते हैं, स्मॉल x जो होगा, स्मॉल x को पुट कर रहे थे ना, x प्लस h, और स्मॉल y हो जाएगा कैपिटल y प्लस k। प्लस बी कैपिटल y प्लस के प्लस सी अपॉन ए कैपिटल x प्लस h प्लस बी कैपिटल y प्लस के प्लस कैपिटल, ये लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a कैपिटल x प्लस बी कैपिटल वाई प्लस क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे बेटा, ए कैपिटल एक्स प्लस बी कैपिटल वाई प्लस सी, ये स्मॉल सी है, प्लस ए एच प्लस बी के अपॉन, यहाँ क्या लिखे बताओ, ए कैपिटल, क्योंकि सी को हम लोग इधर कर लेते क्योंकि कॉन्स्टेंट ही होगा, इधर कर ले, ठीक है। अब ये हो गया ए कैपिटल एक्स प्लस बी कैपिटल वाई प्लस कैपिटल ए एच प्लस बी के प्लस सी सी, ये बन जाएगा हमारा। जैसे ही ये बनता है हम यहाँ ऐसा एच और के चूज करते हैं कि ये जो ए एच प्लस बी के प्लस सी यहाँ पर था और ये जो ए एच प्लस बी के प्लस सी है ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए, है ना, जीरो ले लेते हैं। इससे हमारे जैसे मान लो कुछ इस तरीके का मिला, टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, फाइव एक्स प्लस फोर, तो हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, इससे हमारे पास एच और के की वैल्यू निकल आती है। जैसे ही हमारे पास यही एच और के हम लास्ट में अपना यूज करते हैं, तो हमने क्या किया यहाँ पर, इस तरीके का हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इन दोनों का एच और के हम ऐसा चूज करते हैं कि ये वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जीरो का मतलब हो गया कि जो डी वाई अपॉन डी एक्स हमको मिला, ये ए कैपिटल एक्स प्लस बी कैपिटल वाई अपॉन ए कैपिटल एक्स प्लस बी कैपिटल वाई। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में हो गया, हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, एक तो ये तरीका ऐसे इसको हम अडॉप्ट करते हैं, इसी में एक चीज और आ जाती है, केस ऑफ फेल्योर।
केस ऑफ फेल्योर क्या होता है कि अगर स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए और स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी, ये स्मॉल ए है और कैपिटल ए, स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी, अगर ये इक्वल हो जाते हैं किसी कांस्टेंट के, या हम एक कांस्टेंट कहते हैं वन अपॉन एम, तो क्या होता है ये केस ऑफ फेल्योर बन जाता है। और ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ये जो ax plus by होता है इसको कुछ सपोज करते हैं। इसको सवाल कुछ इस तरीके का दे दिया जाता है कि जैसे dy by dx is equal to x plus 4y plus 8 upon 3x plus 12y plus 4 मिलेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब उसको निकालेंगे स्मॉल a1 है कैपिटल ए थ्री है, तो क्या होगा स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए वन अपॉन थ्री, स्मॉल बी फोर कैपिटल बी ट्वेल्व, ये भी क्या हो गया इक्वल हो गया। जब ये इक्वल हो जाएगा तो ये केस ऑफ फेल्योर बन जाता है। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, जब केस ऑफ फेल्योर हमारा बन जाए उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जो ये जो ए एक्स प्लस बी वाई है इसको कुछ सपोज कर लेते हैं। जैसे मान लो जैसे ये ए एक्स प्लस बी वाई था, x प्लस फोर वाई है, इसको मान लो हमने z सपोज कर लिया। जब इसको z सपोज किया तो हमारे पास जो dy by dx आएगा ये आ जाएगा z प्लस 8 अपॉन 3z प्लस, तो बन गया इस तरीके से। अब जो ये z प्लस 8 अपॉन 3z प्लस 4 बन गया, अब हम इसको नॉर्मल अपना उसी तरीके से जैसे सॉल्व करते हैं वेरिएबल सेपरेबल से वैसे सॉल्व कर लेते हैं। बात समझ आई कैसे करते हैं हम लोगों का, जो हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं होमोजीनियस, एक तो होता है नॉर्मल होमोजीनियस दे दिया होता है। अगर होमोजीनियस नहीं है और उसको हम होमोजीनियस बनाना चाहते हैं तो हम करते क्या है, स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स प्लस एच लिखे, स्मॉल वाई को कैपिटल वाई प्लस ए लिखे और उसको हम होमोजीनियस फॉर्म में ले। अगर लेकिन उसमें भी एक चीज हमने बताई कि अगर ए अपॉन ए बी अपॉन बी के इक्वल हो जाता है तो ये केस ऑफ फेल्योर बन जाता है। उसमें फिर ये वाला रूल अगर लगाओगे तो और लेंथी हो जाता है। उसमें फिर इजिएस्ट मेथड ये रहता है कि हम इसमें इसको जो है कुछ सपोज कर लें और उसके बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, ये तरीका होता है इसमें। क्लियर, क्वेश्चन हम इसका इसलिए नहीं कराने की इसकी कोई खास जरूरत नहीं है क्वेश्चन कराने की, ठीक है, इसलिए नहीं करा। अच्छा सेपरेबल तुम लोग जानते हो, हाँ बताओ बताओ क्या प्रश्न है। अब इसी में जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, लीनियर डिफरेंशियल। एक क्वेश्चन करा दें, देखो हमने क्या किया, h प्लस के जो वो कांस्टेंट आया था उसको हमने लिया तो कोई इक्वेशन टाइप में आएगा, जब इक्वेशन आएगा तो उससे h और k की वैल्यू आ जाएगी, h k की वैल्यू आ गई, जब हम लास्ट में हमारा कैपिटल x में आंसर आ रहा होगा, कैपिटल हमने क्या पुट किया था, स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस h और स्मॉल y को हमने कैपिटल y प्लस k, लेकिन जो हमारी इक्वेशन थी dy by dx वाली वो कैपिटल y कैपिटल x में आई थी, तो जो रिजल्ट हमको मिल रहा होगा वो कैपिटल y कैपिटल x में। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का हम ये जानते हैं किसी में भी कि क्वेश्चन जिस फॉर्म में दिया हो हमें रिजल्ट भी उसी फॉर्म में चाहिए। हमें स्मॉल y स्मॉल x में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दी है तो हम रिजल्ट भी क्या करेंगे, स्मॉल y स्मॉल x में लिया। हमें क्वेश्चन में x और t दिया है तो रिजल्ट हम x और t में देंगे, जिस फॉर्म में दिया उसी फॉर्म में देंगे। तो हमें यहाँ जो क्वेश्चन दिया था वो स्मॉल x स्मॉल y दिया था, आपके पास कैपिटल x कैपिटल y आ गया तो आप कैपिटल x की जगह पुट करोगे x माइनस h, कैपिटल y की जगह पुट करोगे y माइनस k, उसमें h और k की आपके पास वैल्यू है, जब पुट करोगे तो वो रिजल्ट। और पूछिए कुछ पूछना, हाँ पूछता भाई, एक एक फोटो आपको और दे दी है अलग, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। भाई थोड़ा सा जल्दी करो नहीं तो तुम लोग हमारा टाइम ऐसे ही खराब करोगे। दे दो सर कोई कटो। उसके बाद हम लोग आ गए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू।
dy by dx plus py is equal to q. ये हमारी कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन. इट इज कॉल्ड अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास कैपिटल P है, कैपिटल Q है. कैपिटल P और कैपिटल Q क्या है? P एंड Q आर, देखो इसमें ध्यान रखना, जो P और Q होंगे या तो x का फंक्शन होगा या कॉन्स्टेंट होगा. y नहीं हो सकता, y हो जाएगा तो फिर वो चेंज हो जाएगा हमारा. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने क्या बताया कि dy by dx plus py is equal to q. इस ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x बट नॉट ऑफ y, y नहीं होना चाहिए और कांस्टेंट. क्लियर? अगर राइट हैंड साइड में q दिया हुआ है, q भी हमने तुमको क्या बताया कि q या तो फंक्शन ऑफ x होगा या फिर क्या होगा, कांस्टेंट होगा. आइदर इज अ फंक्शन ऑफ x और इट इज अ कांस्टेंट. अगर q जीरो है देन दिस इक्वेशन इज नोन एज होमोजीनियस. इफ q इज नॉट इक्वल टू जीरो देन इट इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस. इफ q इज जीरो, q है क्या, q इज अ फंक्शन ऑफ x और सम कांस्टेंट है. और q, अगर q जीरो है then this equation is known as homogeneous. If q is not equal to zero then it is non-homogeneous. हमारे पास dy by dx plus py is equal to q आया. अगर हम इसको variable separables ले जाएं, dy upon y is equal homogeneous. देखें homogeneous, देखें homogeneous के लिए q हमारा क्या हो जाता है, zero हो जाता है. तो dy by y is equal to minus p dx आया. इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो log y is equal to minus p integral dx. क्योंकि p फंक्शन ऑफ x है, अंदर ही चला जाएगा p dx. प्लस चूंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. हमने तुमको अभी बताया था कि जब log हुआ करें क्या होता है बेटा, अच्छा, अगर हम लॉग ले आ रहा है हमारे पास तो हम कांस्टेंट भी क्या करते हैं, लॉग भी लेते हैं. तो हमने क्या ले लिया, लॉग सी. लॉग वाई इज इक्वल टू माइनस पी डी एक्स प्लस लॉग सी. तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो लॉग ऑफ y अपॉन c इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल p dx आ गया. तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c e टू द पावर y is equal to c e to the power minus integral t dx. y is equal to c e to the power minus integral t dx. अब यहाँ पर अगर हम चाहें तो इसके आगे इसको सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. अगर हमारे ये तो हो गया कि हमारे पास होमोजीनियस है, dy by dx plus py is equal to zero था. अगर नॉन होमोजीनियस हो जाएगी यानी dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो हम लोग ये तो हमारा हो गया होमोजीनियस. अगर हम इसी में देखें नॉन होमोजीनियस, तो डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो. डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो. अब हम इसमें करेंगे क्या, देखो इसको इधर लेके गए तो पी वाई माइनस क्यू डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू जीरो. और इसको हम कंसिडर कर सकते हैं एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इज इक्वल टू जीरो. जैसे ही तुम्हारे पास एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इज इक्वल टू जीरो आ गया, अब हम इसमें तुमको थोड़ा सा साइड में एग्जैक्ट बता दें. देखिए एग्जैक्ट क्या होती है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो. अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो के, एम इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में है और हमारे पास कंडीशन क्या हो जाए, डेवर एम अपॉन डेवर वाई इज इक्वल टू डेवर एन अपॉन डेवर एक्स. अगर ये हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है और फिर हम एग्जैक्ट का सॉल्यूशन निकालते हैं.
ठीक है, यहां पर जो इसको सॉल्व करते हैं इस वाले को, इसको सॉल्व करने के लिए हमें एग्जैक्ट के एक टाइप की ही जरूरत पड़ती है जिसकी हेल्प से हम लोग निकालते हैं। इसका जो सॉल्यूशन हम लोग फाइनली लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखने के लिए हमें एग्जैक्ट का एक टाइप जरूरत पड़ता है। पहले हम थोड़ा बता देते हैं, इसका सॉल्यूशन हम उसी से कोरिलेट कर देंगे। एग्जैक्ट के लिए हमें एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इज इक्वल टू जीरो चाहिए। ठीक है, हमने तुमसे कहा एम डी एक्स इसकी नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन होती है डेवर एम अपॉन डेवर वाई डेवर एन अपॉन डेवर एक्स के, और इस ये एग्जैक्ट है। अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो सॉल्यूशन एग्जैक्ट का क्या आ जाता है, ऑल टर्म्स इन एम, ऑल टर्म्स इन एम डी एक्स प्लस, आगे क्या लिख रहे हैं याद है, Only those terms in n which does not involve x, n के वो टर्म लेंगे जो x जिसमें x नहीं हो, तो only दो n without x, then d बार। ठीक है, जो सॉल्यूशन निकालते हैं all terms in m dx plus n those terms in n which does not involve x dy, and then हम लोग क्या लगा देते हैं कॉन्स्टेंट सी। ये तो हो गया एग्जैक्ट का सॉल्यूशन। हम लोग एग्जैक्ट एग्जैक्ट इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इज इक्वल टू जीरो। नेसेसरी कंडीशन क्या है, डेवर एम अपॉन डेवर वाई इज इक्वल टू डेवर एन अपॉन डेवर, अगर ये इक्वल है तो हम तुरंत इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, ऑल टर्म्स इन एम डी एक्स प्लस Only those term in n which does not involve x, then dy is equal to c। आराम से सॉल्यूशन हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का निकल आता है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि इक्वेशन तो m dx plus n dy is equal to zero के फॉर्म में दी गई है, लेकिन जब हम ये नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करा रहे होते हैं तो ये सेटिस्फाई नहीं होती है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है उस केस में क्या करते हैं, बताओगे आप लोग क्या करते हैं, यस एग्जैक्ट बनाने के लिए हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, और उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से क्या करते हैं, अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर काम क्या करता है, हमारी जो इक्वेशन थी जो अभी एग्जैक्ट नहीं हो पा रही थी उससे मल्टीप्लाई करने पर हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाती है, और तब ये जो हमारी नेसेसरी कंडीशन है डेवर एम अपॉन डेवर वाई डेवर एन अपॉन डेवर एक्स के इक्वल हो जाती है। जैसे ये इक्वल होगी हम फिर उसी फॉर्मूले से अपना सॉल्यूशन लिख देंगे, ऑल टर्म्स इन एम डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ एन व्हिच डज नॉट इन्वॉल्व एक्स डी वाई इज इक्वल टू सी। हमने कहा कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इससे हम बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर पाते हैं। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो है, इसमें पहला है कि अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जीरो है और ये होमोजीनियस इक्वेशन है इन एक्स एंड वाई, मान लो ये होमोजीनियस हो जाती है, होमोजीनियस समझते हो पावर सेम होनी चाहिए, अभी तुमको बताया था हमने। अगर ये होमोजेनियस इन x एंड y है देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है हमारा 1 अपॉन mx प्लस m1, लेकिन साथ में हम कंडीशन लगा देते हैं mx इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है 1 अपॉन mx प्लस ny, बट mx प्लस ny जो है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो हमें इंफिनिटी मिलने लगेगा और हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर है सबको? इसी में दूसरा एक चीज आती है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, एक तो हमने पहला तुमको अभी हम इसको इसीलिए छोड़ा है क्योंकि इसका सॉल्यूशन जो हम निकालेंगे तो इसी के एक टाइप एग्जैक्ट बनेंगे और एग्जैक्ट से भी निकालेंगे। ठीक है, देखिए पहला हमने तुमको बता दिया कि इक्वेशन जो है वो x और y में होमोजीनियस है, अगर होमोजीनियस है तो 1 अपॉन mx प्लस ny हो जाता है। दूसरा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कोई इक्वेशन है हमारे पास f1 x y dx plus f2 x y dy is equal to 0, f1 x y dx into एक यहां यहां dx के साथ y और dy के साथ x, y dx plus x
टी अगर इस फॉर्म में इक्वेशन है देखा जाए तो अगर ये पूरा हमारा m बन जाएगा तो m dx ये पूरा n हो गया n dy बन गया फॉर्म तो वही है ना अगर इस फॉर्म में है इक्वेशन तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ये होता है 1 अपॉन mx माइनस ny साथ में कंडीशन क्या लग जाती है mx माइनस ny नॉट इक्वल टू 0 mx माइनस ny नॉट इक्वल टू 0 क्लियर है सबको इतना अब इसी में हम तीसरा टाइप बताते हैं कि कैसे हम लोग उसको लेते हैं अगर कोई इक्वेशन m dx plus n dy is equal to 0 है और 1 upon n del square m upon del square y minus del square n upon del square y ये हमने क्या लिया 1 upon n लिया del square m upon del square y minus del square n upon del square y ये जो रिजल्टेंट आए ये हमारा क्या आ जाए fx fx हमने क्यों लिखा इट इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली इस पे अगर y आ गया तो ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा ये क्या होगा इट इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली अगर ये हमारा ट्रू हो जाता है हम इसको सिंपलीफाई करते हैं और ये फंक्शन ऑफ x आ जाता है तो हम यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं वो क्या हो जाता है e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ fx इसमें अधिकतर क्या होता है log के फॉर्म में चीजें आती क्योंकि e की पावर log x स्क्वायर आ गया उसको e की पावर log रिमूव हो जाएगा हमारा जो रिजल्टेंट होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वो x x स्क्वायर इसी फॉर्म में या y अभी इसी का अगला बता रहा हूं उसमें y होगा क्या बताया हमने 1 upon n dever m upon dever y minus dever n upon dever x की वैल्यू अगर इट इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली देन हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रल अब इसी में एक और बता रहे हैं 1 upon m लगा दिया dever n upon dever x minus dever m upon dever y अब यहां पर क्या हो जाएगा इट इज अ फंक्शन ऑफ y अलोन केवल y का फंक्शन इट इज अ फंक्शन ऑफ y अलोन देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास यहां पर e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ f y d तब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा e टू द और जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा उसी से हम सॉल्व करके अपने क्वेश्चन को कर लेंगे क्लियर है सबको इतना कोई डाउट हो तो पूछो इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए जल्दी से अब हम अपने इस पे आ गए उसके बाद हम इसको कंटिन्यू कर देंगे हमारे पास यहां पर dy by dx plus py minus q is equal to zero था क्योंकि हम जीरो ले आए थे ना है ना अब इसके दिखाई दे रहा है ना सी को हम लोग पढ़ लेते हैं जीरो है ना अब यहां पर py minus q m क्या है तुम्हारे पास py minus q n क्या है तुम्हारे पास वन तो अगर हम डेवर एम अपॉन डेवर वाई निकाले क्या आएगा पी देखो एम क्या है पी वाई माइनस टू तो डेवर एम अपॉन डेवर वाई पी और पी और क्यू एक्स के फंक्शन है डेवर एम अपॉन डेवर एक्स क्या आएगा जीरो वन है तो डेवर एम अपॉन डेवर वाई डेवर एन अपॉन डेवर एक्स के इक्वल नहीं है हम यहां पर ये वाला कंडीशन जरा अप्लाई करो 1 upon n dever m upon dever y minus dever n upon dever x क्या आया इसको apply करने पर क्या आया dever m upon dever y कितना था p था और n की value 1 यानी p आ गया और p हम जानते हैं it is a function of x or constant है ना p is a function of x मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास p अगर जब फंक्शन ऑफ x आ जाता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनता है e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ fx dx तो इस केस में हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p e टू द ये हमारा जब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे होते हैं तो e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx होता है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का काम करता है क्लियर है सबको अब हम क्या करेंगे जो तुम्हारी गिवन इक्वेशन है dy by dx plus py is equal to q इसमें इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करो जरा मल्टीप्लाई देखो क्या बचता है हम इसको रख करते हैं थोड़ा सा ठीक है
dy/dx plus dy is equal to q. हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया e to the power integral pdx से और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया e to the power integral pdx से और e to the power integral pdx जो है अब अगर हम d by dx ऑफ लिखना है ध्यान दो बेटा d by dx क्या लिख सकते हैं d by dx देखो जरा y into e to the power integral देखो करेंगे एक बार e to the power integral pdx आ गया सिंपल d या dy/dx दोबारा करोगे तो ये p आ जाएगा और इससे p हो जाएगा देखो वही चीज आ गई अगर हम लिखना चाहे तो dy/dx of y into e to the power integral pdx और ये क्या हमारा आ गया q into e to the power integral pdx e to the power integral pdx जो था अब हमारे पास यहाँ था कि अब ये d/dx आ रहा है हम अगर इसको इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड तो क्या बचेगा देखो d/dx है इंटीग्रेट करने पर y into e to the power integral pdx यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा था तो q into e to the power integral pdx plus some constant दोनों साइड पे हमने इंटीग्रेट कर दिया तो इसका जो फॉर्मूला बना देखो बेटा y into ये हमारा क्या है इंटीग्रल है is equal to integral sign q into integrating factor dx इंटीग्रेट कर देते हैं तो जो हमारी होमोजीनियस इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन होता है y into integrating factor is equal to integral sign q into integrating factor dx plus c ठीक है अब हमारा इसी ये तो हम होमोजीनियस तो हम बीच में तुमको इसलिए बताने लगे क्योंकि हम इसी से इसको बता पा रहे थे एग्जैक्ट से इसी जब हम होमोजीनियस पढ़ रहे होते हैं dy/dx प्लस py इसी हमने तुमको जो होमोजीनियस का फॉर्म बताया dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q ये हम होमोजीनियस पढ़ रहे थे इसमें हमने ये बताया था कि p और q जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट है ना अब अगर इसी इक्वेशन में q into y to the power n ये कौन सी इक्वेशन बन जाती है हमारी बर्नौली ये कौन सी इक्वेशन बन जाती है बर्नौली यहां पर भी p एंड q आर अगेन कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x होते हैं लेकिन ये जो बर्नौली इक्वेशन है इसको भी हम रिड्यूस करके लीनियर इक्वेशन में लाने की कोशिश करते हैं कैसे करते हैं अब तुम लोग जरा ये बताओ कैसे करेंगे देखो हमारे पास अगर पूरी इक्वेशन लीनियर थी केवल q के साथ जो टर्म y टू द पावर n आ गया वही एक प्रॉब्लम कर रहा है हमारे लिए हमने इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया जब डिवाइड किया तो 1 अपॉन y टू द पावर n dy/dx plus p y upon y to the power n is equal to q आया अब हमने लिखा 1 upon y to the power n minus n dy/dx plus p ये y to the power n minus 1 अब हम यहां से अगर चाहें तो 1 upon y to the power n dy/dx plus 1 upon y to the power n minus y into अब देखो वो नॉर्मल इक्वेशन के फॉर्म में करीब करीब आ गया लेकिन अभी ये नॉर्मल इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि dy/dx के साथ y आ गया हमारा जबकि हम उसमें क्या कह रहे थे जो नॉर्मल पढ़ रहे थे dy/dx plus py is equal to q p किसका फंक्शन था x का q भी किसका था x का तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं जो p के साथ हमारा टर्म हो जो भी तुम्हारा p के साथ हो उसको कुछ सपोज करो जैसे यहाँ पर क्या है p के साथ 1 upon y to the power n minus 1 यहाँ पर हमारे पास 1 upon जो y to the power n minus 1 है इसको मान लो हमने लिया z जरा इस अब ये इक्वेशन z के फॉर्म में बताओ क्या मिलेगी इसको चाहे तो थोड़ा सा और इजी फॉर्म में लिखिए y to the power 1 minus n तो ये हो जाएगा 1 minus n y to the power
वन माइनस एन माइनस वन डी वाई इज इक्वल टू डी जेड. तो अगर डी वाई बाय डी एक्स करते हैं तो ये डी जेड बाई डी एक्स. हम देखो डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या आ जाएगी बताओ. वन वन से वन तो कैंसिल हो गया बेटा, है ना. क्या लिखा है, और देखो यहां पर 1 अपॉन y टू दी पावर n है, dy by dx है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस n dz by dx लिख सकते हैं. देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस n 1 अपॉन y टू दी पावर n dy by dx इज इक्वल टू dz by dx. तो देखो इसका वैल्यू हमको चाहिए, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस n dz by dx, और 1 upon y to the power n minus 1 को हमने क्या माना था, z z t is equal to q. अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में लिखिए, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ये हमारा बना dz by dx plus p 1 minus n into z is equal to q. देखो अब ये इक्वेशन जो है, p is a function of x, 1 minus n constant, z. अब हमारी ये इक्वेशन जो है फिर लीनियर इक्वेशन बन गई, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन z. ये इक्वेशन जो बनी ये लीनियर बनी, बट इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन z. तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन इसका लीनियर की तरह लिखेंगे जो z में आएगा, और फिर बाद में हमको उसको क्या करना होगा, चेंज करके, क्योंकि हमने अभी जैसे कहा कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर dy by dx ही है तो रिजल्टेंट भी जो हम रिजल्ट लिखेंगे वो y और x में ही लिखेंगे. अब जैसे क्वेश्चन तुम्हारा dy by dx में था, लेकिन हम उसको लीनियर में कन्वर्ट करने की वजह से हम कहां तक पहुंच गए, z पे आ गए. आंसर तुम्हारा z और x आएगा, बट z और x में आंसर दोगे नहीं, आंसर किस में दोगे तुम लोग, y और x में. एक क्वेश्चन इसका दे करोगे, लिखो चलो x नहीं dy, लिखो dy by dx plus y by x, dy by dx plus y by x is equal to y square by x square. dy by dx plus y by x is equal to y square plus x square. Clear? देखो ध्यान दो बेटा. dy by dx plus py is equal to q y to the power n. वही फॉर्म बन गया? समझ आ रहा है? इस अब हमारी ये बर्नौली इक्वेशन आ गई. हम बर्नौली को पहले किस में कन्वर्ट करें? नॉर्मल लीनियर इक्वेशन में. नॉर्मल लीनियर इक्वेशन के कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे क्या, जो इसके साथ वाई का टर्म है उससे पूरी इक्वेशन को क्या कर दे, डिवाइड कर दे. तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर. देखो ठीक लिखा है, कुछ गड़बड़ है, सही लिखा है. 1 upon y square dy by dx plus 1 upon xy is equal to x square. अब यहाँ पर हम लोग करें क्या, ये इसके साथ एक्स्ट्रा टर्म है 1 upon y, इस 1 upon y को हमको सपोज कर लिया z, ठीक है. ध्यान दो बेटा, माइनस 1 upon y square dy by dx is equal dz by dx. हमारे पास यहाँ माइनस आ रहा है, इससे बचने के लिए हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ माइनस वन अपॉन वाई को जेड लेते हैं, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा. माइनस वन अपॉन वाई को अगर हम तो सपोज ही कर रहे हैं, हम जिस चीज को सपोज कर रहे हैं हम वन अपॉन वाई लें, उससे क्या होगा, हमारा नेगेटिव स्टार्ट में नहीं आएगा, बाकी फर्क उससे कोई नहीं पड़ेगा, चाहे तुम ये लो चाहे तुम वो लो. अब तुम्हारे पास क्या हो गया, देखो वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, dz upon dx. इसको क्या लिखे हैं? नहीं बता? Minus z upon x is equal to clear? This equation is linear in z. है? ये linear है z के form में. अगर हमें integrating factor निकालना हो तो क्या आएगा?
अभी इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने और निकाला था, क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ t, यानी e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ t क्या है हमारा माइनस वन अपॉन x, बिल्कुल जी माइनस वन अपॉन x dx हो गया। इसको सॉल्व करें तो माइनस वन अपॉन x का मतलब क्या होगा, माइनस ऑफ लॉग x, यानी log of x to the power minus 1, तो हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया वो क्या आ गया, 1 upon x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ गया 1 by x। हमने कहा अभी तुमसे बता रहे थे ना कि इसमें जनरली क्या होता है, log के फॉर्म में आता है, और log के फॉर्म में अगर नहीं आ रहा तो ऐसा नहीं जबरदस्ती हम log लेते हैं, अगर log आ रहा है तो अधिकतर ऐसा ही होता है कि log आता है जिससे e से वो एलिमिनेट हो जाता है और हम इजिली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। अब हमने अभी तुमको फॉर्मूला लिखवाया था y into integrating factor is equal to integral sign q into integrating factor dx plus c। अब फॉर्मूला क्या है? यस, जो गलती करते हैं वो यही गलती होती है, क्योंकि हमारे हमको याद क्या होता है जनरली y into integrating factor, तो हम लोग वही लिख देते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहीं से गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमने जो अपनी इक्वेशन है उसको लीनियर इन जेड कर लिया, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, जेड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल साइन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब यहां क्या लिखे डीएक्स प्लस सी। क्लियर है सबको? जेड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो जेड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारा, 1 upon x integral sign, q क्या है हमारा, 1 upon x square integrating factor 1 upon x dx plus c, 1 upon x square था 1 upon x cube हो गया, मतलब तो ये integral इसका क्या आ जाएगा, minus 1 upon x square minus 1 upon 2 x, देखो z into 1 upon x is equal to माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन में आया ठीक लिखा, जेड इंटू वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। वैसे तो क्वेश्चन ये खत्म हो गया, बट ये हमारा रिजल्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्वेश्चन जो हमको स्टार्ट में दिया गया था वो ये दिया गया था y इन x, जब y और x के फॉर्म में दिया है तो रिजल्ट भी जो हम देंगे वो z और x के फॉर्म पे ही देंगे। अब हम क्या करेंगे, z की वैल्यू क्या थी, क्या हमने सब कुछ किया था, माइनस वन अपॉन y, हम ये माइनस वन अपॉन y सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा माइनस वन अपॉन y x इज इक्वल टू, माइनस वन बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है ना। हमने तुमको होमोजेनियस बताया, इसी में तुमको हमने एक बर्नौली भी बताई, अभी हमने तुमको एग्जैक्ट पढ़ाया था। एग्जैक्ट में हम लोगों ने ये देखा कि अगर कोई इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इज इक्वल टू जीरो का फॉर्म है तो हम नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन लगाएं, अगर नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हमारी जो इक्वेशन होती है वो एग्जैक्ट बन जाती है, और जैसे ही इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी हम अपना सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन जरा तुम लिखो देखो कर पाते हो कि नहीं कर पाते, जरा लिखो एक सवाल। y plus 1 upon 3y cube, y plus 1 upon 3y cube plus 1 by 2x square into dx, y plus 1 upon 3y cube plus 1 upon 2x square dx plus 1 upon 4 plus 1 upon 4 1 plus 1 square dy is equal to 0।
प्लस 1 बाय 4 1 प्लस 5 स्क्वायर, ये x की देखो जब एग्जाम में तुम लोगों को जब भी कभी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाती है, हाँ x की जब डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाती है तो हम लोगों को ये नहीं पता होता कि हम किस मेथड से सॉल्व करें। हम उसमें ये चेक करते हैं कि हम कौन सा मेथड अप्लाई करें। जैसे हमने तुमको स्टार्ट किया वेरिएबल सेपरेबल बताया वो लग जाए, फिर उसमें हम लोग चेक करते हैं कि होमोजीनियस तो नहीं है, वाई इज इक्वल टू वी एक्स रख दिया, फिर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी आ गया, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एच रख दिया, उससे नहीं हो रहा है तो हम लोगों ने देखा ऐसा तो नहीं कि ए अपॉन ए और बी अपॉन बी इक्वल हो रहा है तो ए एक्स प्लस बी वाई को सपोज कर ले, या अगर इक्वेशन लीनियर के फॉर्म में दी गई है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू तो उससे सॉल्व करें। अगर वो भी फॉर्म नहीं हो सकता है जैसे अभी उन्होंने पिछला क्वेश्चन किया बर्नौली दी होती है तो बर्नौली से हम करें। अगर इक्वेशन एन डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में दी होती है तो हम ये कहते हैं कि इक्वेशन जो है वो हमारी एग्जैक्ट है। एम हमारा क्या है वाई प्लस वन अपॉन थ्री बाई टू प्लस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर और एन हमारा क्या है वन अपॉन फोर इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, हम यहां पर क्या सॉल्व कर रहे हैं, हम जरा डेवर एम अपॉन डेवर वाई निकालें कितना आ गया वन प्लस वाई स्क्वायर, डेवर एम अपॉन डेवर एक्स निकालें 1 by 4 में तो 1 by 4 into 1 plus 5 तो यहां तो डेवर एन अपॉन डेवर वाई डेवर एन अपॉन डेवर एक्स के इक्वल नहीं हो पाया, नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो हमारे पास चार मेथड है इसको देखने के। पहला मेथड तो ये लगते हैं कि हमारे जो टर्म्स ये दिए हैं एम और एन ये होमोजेनियस है कि नहीं, वो तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर एक हमने बताया था एफ वन एक्स वाई एक्स डी वाई, फिर एफ टू एक्स वाई वाई डी एक्स हो, अगर ऐसा हो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइप हमें वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमने एक्स बताया था कि वन अपॉन एन डेवर एम अपॉन डेवर वाई माइनस डेवर एन अपॉन डेवर एक्स, देखो इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स हो, या वन अपॉन एम डेवर एन अपॉन डेवर एक्स माइनस डेवर एम अपॉन डेवर वाई देखो फंक्शन ऑफ वाई हो, ये चार मेथड हम तुमको बताए। तो इनमें से कौन सा मेथड हमको इसमें लगाना, दो तो हमने बताई दी है, अब बाकी के जो दो बचे उसमें से कौन सा इसमें लगाएंगे जिससे हमारा ये इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए। सेकंड कैसे लगाओगे, वाई डी एक्स एक्स डी वाई काम है बेटा, नहीं जब आ रहा है उससे चेक करो। थर्ड वाला था वन अपॉन एन डेवर एम अपॉन डेवर वाई माइनस डेवर एन अपॉन डेवर एक्स, सॉल्व करो देखो क्या मिल रहा है। तुम लोग ये दोनों तो तुम्हारे पास थी ना वैल्यू डेवर एम अपॉन डेवर वाई डेवर एन अपॉन डेवर एक्स की, डेवर एम अपॉन डेवर वाई था 1 प्लस वाई स्क्वायर और डेवर एन अपॉन डेवर एक्स था 1 अपॉन 4 1 प्लस वाई स्क्वायर। जरा निकालो 1 अपॉन एन डेवर एम अपॉन डेवर वाई माइनस डेवर एन अपॉन डेवर एक्स कितना आया 3 बाई एक्स, मतलब हमारा काम चल गया जो हम चाहते थे वही हो गया है ना। हमने जब इसको निकाला 1 अपॉन एन डेवर एम अपॉन डेवर वाई माइनस डेवर एन अपॉन डेवर एक्स, हमें क्या मिलना चाहिए फंक्शन ऑफ एक्स अलोन, हमको क्या मिल गया 3 बाई, जब 3 बाई एक्स मिल गया लिख लेंगे इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स अलोन। जैसे ही ये x का केवल फंक्शन हो गया हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख देंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, क्या बताया था कि इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर इंटीग्रल fx हमारा क्या आया 3 अपॉन x dx हो गया, यानी e टू दी पावर 3 log थ्री लॉग एक्स को लॉग ऑफ एक्स क्यूब लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारा आ गया वो क्या आ गया एक्स क्यूब। क्लियर है सबको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स क्यूब आ गया। अब जो तुम्हारी गिवन इक्वेशन है इसमें एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो। अभी तुम जब निकाल रहे थे कि डेवर एम अपॉन डेवर वाई डेवर एन अपॉन डेवर एक्स के इक्वल नहीं आया था, अब जरा एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद देखो क्या डेवर एम अपॉन डेवर वाई डेवर एन अपॉन डेवर एक्स के इक्वल होता है, ये क्या बन जाएगा x क्यूब है ना x क्यूब वाई प्लस 1 अपॉन 3 x क्यूब वाई क्यूब प्लस 1 अपॉन 2 x टू दी पावर 5 dx प्लस
1 by 4 x cube plus y square x cube into x dy is equal to 0. हम इसका x भी अंदर मल्टीप्लाई कर ले ताकि उसको इजी हो जाए, ठीक है बेटा? ठीक है। अब हम यहाँ पर डेवर m अपॉन डेवर y निकाले, क्या आया डेवर m अपॉन डेवर y? x क्यूब प्लस x क्यूब y स्क्वायर, और डेवर n अपॉन डेवर x, ये भी सेम। देखो एग्जैक्ट बनी कि नहीं बनी। अब जब एग्जैक्ट इक्वेशन आ गई तो हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं, या इस इक्वेशन में डेवर m अपॉन डेवर y डेवर n अपॉन डेवर x के इक्वल हो गया। तो सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? इंटीग्रल ऑफ m dx, पूरा m लिखते हैं हम। m क्या था हमारा? x क्यूब y प्लस 1 अपॉन 3 x क्यूब y क्यूब प्लस 1 अपॉन 2 x टू द पावर 5 dx प्लस m के वो टर्म जिसमें x ना हो, टर्म्स ऑफ n व्हिच डज नॉट इन्वॉल्व x। देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, यानी हम क्या लिख देंगे? 0 dy इज इक्वल टू c। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये तुम्हारा, हमने तुमको ये तो हमने बिल्कुल पिछला तुमको पढ़ा दिया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट, और इसमें जो है कैसे कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। अब जो आपको अगले स्टेप में पढ़ना है वो सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। उसका सिस्टम जैसे हम लोग मैट्रिसेस से इक्वेशन सॉल्व करते हैं dx अपॉन dt वाला, वो हम सिस्टम लीनियर और नॉन लीनियर का नेक्स्ट चैप्टर तुमको पढ़ाएंगे। इस पे किसी को कोई डाउट हो तो पूछ। जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बताया इसमें अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछो, जितना भी हमने तुमको बताया है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो, किसी को कोई डाउट हो तो ये पूछ सकते हो। पूछिए जल्दी से, कर कुछ पूछना है तो। वैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का एक रूल और है, बता दे क्या वो भी? बता दे। हालांकि उसका यूज हम लोग बहुत कम करते हैं, बता दें दो दिन चलो उसके पास। चलिए इंटीग्रेट, अब एक हम एक और बताने जा रहे हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें निकालना है अगर इक्वेशन का टाइप कैसा हो। देखो x टू द पावर a y टू द पावर b, x टू द पावर c y टू द पावर d दिया हुआ, x टू द पावर a y टू द पावर। अब यहां पर क्या लिखते हैं? p y dx प्लस q x d y, x टू द पावर a y टू द पावर b p y dx प्लस q x d y, x टू द पावर c y टू द पावर b। अब हम यहां लिखते हैं r y dx प्लस, क्या लिखेंगे बताओ तुम लोग? p q r s चल तो क्या लिख देंगे? s x d y। ये फॉर्म, अगर इक्वेशन का फॉर्म कुछ इस तरीके का दिया हो इज इक्वल टू। हालांकि इसका हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, ये लंदी बहुत कम हो जाता है, है ना? x टू दी पावर a y टू दी पावर b p y dx प्लस q x dy, x टू दी पावर c y टू दी पावर d, r y dx प्लस s x dy इज इक्वल टू 0 दिया हो तो इसका जो इंटीग्रेटिंग, देखो हम क्या देख रहे हैं, x की पावर a y की पावर b, x की कुछ पावर और y की कुछ पावर चल रही है, तो जो हम इनका इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेलेक्ट करते हैं वो सेलेक्ट करते हैं x टू दी पावर h बाय, जनरल कर दिया उसको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x टू दी पावर h y टू दी पावर k। और जो यहां लिखे द कांस्टेंट h एंड k आर so chosen that the new equation become exact। new equation कैसे मिलेगी? integrating factor जो होगा उसमें हम given equation में क्या कर देंगे, उससे multiply कर देंगे,
हमने क्या लिखवाया आपको कि अगर इस तरीके का है तो x टू दी पावर h y टू दी पावर के हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर चूज करते हैं और कांस्टेंट h के ऐसे चूज करते हैं कि जो गिवन इक्वेशन में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाए एग्जैक्ट हो जाए। एक क्वेश्चन बताए इसका x इंटू 3xy प्लस 8y टू दी पावर 5 3xy प्लस 8y टू दी पावर 5 dx प्लस 2x स्क्वायर प्लस 24xy टू दी पावर 4 dy इज इक्वल टू 0। इस तरीके की इक्वेशन दी गई, ठीक है। हमें जो इक्वेशन चाहिए वो dx और dy में चाहिए, साथ में x की पावर है, y की पावर भी, x की पावर c, y की पावर d, कुछ इस फॉर्म में हमको इक्वेशन अपनी चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो ये x का टर्म है हमारे पास इसमें, ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, है ना। और हमें क्या चाहिए, p y dx q, और x और y बाहर भी निकालना है हमको, हमने x यहां से बाहर निकाला, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 3y dx, देखो ये वाला टर्म ठीक लिखा है। अच्छा अब यहां पर अगर देखो तो इसमें क्या आ जाएगा, x अगर निकाले बाहर इस वाले टर्म से तो क्या हो जाएगा 2x dy, ठीक है हमने लिखा। अब इसमें अब देखो यहां देखो y टू दी पावर कितनी बाहर निकाल सकते हैं, तो यहां 5 है वहां 4, तो y टू दी पावर 4 बाहर निकाल लो, क्या हो जाएगा 8 और 24, 8 भी बाहर निकाल लो, कॉन्स्टेंट है, तो ये हो जाएगा y प्लस 3x, कुछ गलत दिख रहा है, y dx है ना 3x इक्वल टू, ये फॉर्म हम वही ले आए जो फॉर्म की हम बात कर रहे थे, x टू दी पावर a y टू दी पावर b p y dx प्लस q x dy वाला फॉर्म ले आए। अब हमने तुमको इसमें क्या कहा है कि हम लोग यहाँ पर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते हैं वो x टू दी पावर h और y टू दी पावर k लेते हैं। अब हम करेंगे क्या, ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें जो कि ये दी हुई है तुमको, इसमें मल्टीप्लाई कर दो x टू दी पावर h और y टू दी पावर k से। जब x टू दी पावर h गिवन इक्वेशन में मल्टीप्लाई करोगे और डेवर m अपॉन डेवर y, डेवर n अपॉन डेवर x निकालोगे, उससे तुम्हारे पास h और k की वैल्यूज निकल आएंगी। जो h और k की वैल्यू जो भी तुम्हारे निकले वही तुम्हारा जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा और उसको ही तुम सॉल्व करके एग्जैक्ट अपना सॉल्व करोगे। क्लियर है सबको, क्या बताया हमने, हमने x टू दी पावर h y टू दी पावर k से गिवन इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया। करोगे, कर रहे हो तुम लोग, सॉल्व कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो ठीक, नहीं तो छोड़ो, ये हम ही कर रहे हो, करो करो करो, ये जो अब जो हमने अरेंज की उसमें नहीं करो, ये तो हमने तुमको सिर्फ समझाने के लिए किया था, अरे लिखना हमारे लिए इसमें ज्यादा आसान होगा क्योंकि ये n dx n dy का फॉर्म है, तो x टू दी पावर h y टू दी पावर k में इससे इसमें मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो ये क्या बन गया 3x, हम तो रोता सा कर रहे हैं तुम्हारे, ये बन गया h प्लस 1 y टू दी पावर k प्लस 1, ठीक है, प्लस 8 y टू दी पावर k प्लस 5 और x टू दी पावर h, देखो ठीक लिखा, फर्स्ट ब्रैकेट चेक करो बेटा, ठीक लिखा है, 2 x टू दी पावर h प्लस 2 y टू दी पावर k 24 x टू दी पावर h प्लस 1 y टू दी पावर 4 प्लस, ठीक लिखा है बेटा, हो गया। अब देखो हम इसको रखते हैं, इसको तो सिर्फ हम तुमको समझाने के लिए ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है इसको, ठीक है। हमारी ये इक्वेशन m dx plus n dy is equal to 0 का फॉर्म है, हम यहाँ पर अगर डेवर m upon डेवर y और डेवर n upon डेवर x निकाल लें तो डेवर m upon डेवर y क्या आएगा भाई, चलो डेवर m upon डेवर y विद रिस्पेक्ट टू x करना, तो 3x to the power h plus 1 k 3 x to the power h plus 1 k
प्लस वन y टू दी पावर k, ठीक लिखा है बेटा, प्लस a k प्लस 5 y टू दी पावर k प्लस 4 x टू दी पावर, ठीक है, सही लिखा है। आप जरा डेवर एन अपॉन डेवर x निकाल लो, निकाले हम हमें निकाल रहे हैं, नहीं निकाल लो, निकाल लो, इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, इक्वल नहीं आ रहा, वही तो बताने चाहो, इक्वल करना है, वही बताने चाहो। चलो चलो, हम लोग इसको फिर करेंगे, क्योंकि तुम लोगों तो बताया नहीं हमको। 2 h plus 2 x to the power h plus 1 y to the power k, ठीक है, जरा चेक कर लेना बेटा, इसमें क्या है 24 h plus 1 x to the power h y to the power k plus 2। देखो यहां पर देखो x to the power h plus 1, ठीक, y to the power k, यहां पर देखो वही चीज है, इधर देखो y to the power k plus 4 x to the power h y to the power k plus 4 x to the power h। हम इसमें क्या करेंगे, कोफिश हम हमें एग्जैक्ट की जो कंडीशन होती है डेवर एम अपॉन डेवर वाई डेवर एन अपॉन डेवर एक्स के इक्वल होता है, हम वो कंडीशन यहाँ अडॉप्ट करेंगे, यहाँ पे जो लाइक टर्म्स हैं उनको इक्वेट कर दें। जब लाइक टर्म्स को इक्वेट करोगे तो 3k+1 किसके बराबर आ जाएगा, 3a+1 2h+2 और इधर से क्या आ जाएगा 8k+5 is equal to 24h+1 आया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, h ऑफ k की, जल्दी से बताओ क्या आ रही है, फटाफट बताओ क्या आ रही है, जल्दी उसको h और k दोनों वन आ गए, जब h और k वन आ गई तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 3x²y²। देखो बेटा इसी पे उन्होंने किया था h और k से मल्टीप्लाई, 8y टू दी पावर 6 x dx, ठीक है ना, प्लस 2x टू दी पावर 3y प्लस 24x²y टू दी पावर 5 dy इज इक्वल टू रो। अब जब तुम इसमें तुमने ये देखा है कि डेवर एम अपॉन वाई, इसलिए यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है डेवर एम अपॉन वाई डेवर एन अपॉन डेवर एक्स के, क्योंकि उसी पे तो हमने वैल्यू रखी है, उसी से हमने वैल्यू निकाली भी है, तो अब ये एग्जैक्ट बन गई। एग्जैक्ट का सॉल्यूशन तुम निकालना जानते हो, इंटीग्रल एमडीएस, एन के वो टर्म जिस तक जीरो हो जाएगा इसको इंटीग्रेट कर दोगे तुम्हारा एग्जैक्ट का सॉल्यूशन आ जाएगा, क्लियर, छोड़ दे आज का क्लास यही, अब अगले टर्म पे हम इसका, ये तो हमने तुम्हारा पिछला रिवीजन बता दिया, हमारा जो सिलेबस है वो एक्चुअली सिस्टम से स्टार्ट है, तो हम वो सिस्टम तुमको पढ़ाएंगे नेक्स्ट टर्म, ठीक है, चलो मैम आपको मिसेज टॉपिक है।